डिस्कशन करेगा उस टॉपिक के बारे में जो आईसीआई ने एक अपडेट किया है ऑन 25th of October 2019 अपनी वेबसाइट पे। लेट्स चेक इट आउट। पहले ये अपडेट आपको कहां पे मिलेगा, फिर अपन उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट द अपडेट? द स्टूडेंट सेक्शन में जब आप बीओएफ नॉलेज पोर्टल में जाएंगे, देन इन बीओएफ नॉलेज पोर्टल फाइनल कोर्स अनडाउटेडली इन पेपर नंबर 5 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो फिर टॉप में उन्होंने एक न्यू अपडेट दिया है। ना सिर्फ ये अपडेट नवंबर 2019 के अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल है, बल्कि जो भी जिस बच्चे का जो अटेम्प्ट है, हर अटेम्प्ट पे चीज अप्लीकेबल होने वाली है। एंड दैट पार्ट इज स्किल असेसमेंट। इसके ऊपर एक पीडीएफ दिया गया है। एस दिस टू टर्मोलॉजी स्किल असेसमेंट इज मोर और लेस फेमिलियर विद द स्टूडेंट्स, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन यहां पे ये है कि आपने पूरा कंटेंट पढ़ा है। अनडाउटेडली आईसीआई ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करता है और आईसीआई को ये पता भी है, हमें टीचर्स के लेवल पे भी हमें पता है कि फाइनल का हर बच्चा अपनी तरफ से मोर देन 100% पूरी प्रैक्टिस देता है जब वो पेपर में अटेम्प्ट होता है। फाइनल का स्टूडेंट पूरी मेहनत करके पेपर में अटेम्प्ट होता है, तो फिर उसको उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली या उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसको मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे लास्ट 3 अटेम्प्ट से? प्लस जो बच्चों का नवंबर 19 पहला अटेम्प्ट है, प्लस आने वाले 2020-21 वाले जो स्टूडेंट है, उनके लिए भी वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस पेपर को प्रोफिट करें, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग के द्वारा लगा रहे हो, एनीथिंग, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? हर क्वेश्चन में आपके पास कुछ वर्ब्स अवेलेबल है इन द रिक्वायरमेंट पार्ट, उन वर्ब्स का क्या इंटरप्रिटेशन होता है? क्योंकि यहां पे वर्ब्स अगर चेंज हो जाएगा ना रिक्वायरमेंट पार्ट का, तो उसका कंटेंट भी चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन के अलावा और कोई भी वर्ब यूज कर रहा है तो सभी का आंसर आपको एक समान ले जाना है। मैं पहले आपको एक काम करता हूं, मई 2019 का जो पेपर आया था ना, सबसे रिसेंट पेपर बेटा वही है अभी, मई 2019 का जो पेपर है, आप उसमें देखिए हर क्वेश्चन में आईसीआई की क्या रिक्वायरमेंट है। ये जो आपके स्क्रीन में पेपर है, ये मई 2019 का पेपर है, आप इसमें देखिए हर रिक्वायरमेंट पार्ट में आपको कुछ वर्ब्स है जो आपको स्पेसिफिकली ध्यान से रखना है, ध्यान से पढ़ना है, ताकि आप उन वर्ब्स के जो मीनिंग है उस प्रकार से अपने कंटेंट को आप डिलीवर कर पाए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का पहला रिक्वायरमेंट पार्ट देखेंगे तो यहां पे 2 वर्ब्स यूज किए गए हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। अनलेस एंड अंटिल स्टूडेंट नोज व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन, व्हाट यू हैव टू राइट ऑन द एक्सप्लेनेशन पार्ट, कंटेंट अलग बात है बेटा। सबसे पहले वर्ब आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन में हमसे आईसीआई क्या एक्सपेक्ट करता है, कितनी डिटेलिंग हमें लिखना है, कैसे इमेजिनेशन पार्ट भी रिक्वायर्ड है, सेम इज द विद एक्सप्लेनेशन। फिर आप जब सेकेंड रिक्वायरमेंट पार्ट देखेंगे, यहां पर जो वर्ब यूज की गई है दैट इज रिकमेंड वर्ड यूज की गई है, तो व्हाट डू यू मीन बाय रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन के हम ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, ये चीजें आपको आनी चाहिए। लेट्स सी वन और टू मोर क्वेश्चन, देन यू विल हैव अ क्लैरिटी कि ये जो डिस्कशन है अपना इस वीडियो में ये किस बात में है। यहाँ पे एडवाइस वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे कैलकुलेशन वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे कंपेयर, यहाँ पे एक्सप्लेन वर्ड, आप देखते जाइए। और भी एक लास्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, फिर अपन डायरेक्टली अपने इस डिस्कशन में आएंगे। आप जब ये क्वेश्चन देखेंगे यहां पे कैलकुलेट, रीकैलकुलेट, एनालाइज, रिकमेंड एंड स्टेट, ये जो वर्ब्स है इन वर्ब्स में आपको क्या क्या लिखना है। अनडाउटेडली उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना है, लेकिन उस टॉपिक के बारे में आपको थ्योरेटिकल पॉइंट लिखना है या उसका एक्सप्लेनेशन देना है, या एक्सप्लेनेशन के बियॉन्ड आपको उसको कहीं ना कहीं लिंक करना है, या उसके भी बियॉन्ड कहीं आपको यहां पे रिकमेंडेशन देकर सामने वाले को कोई ऐसा अल्टरनेट सजेस्ट करना जो उसके लिए बेनिफिशियल है, जिसमें अनडाउटेडली इमेजिनेशन पावर की रिक्वायरमेंट है, क्या वो चीज हमें देना है? अनलेस एंड अंटिल बेटा आप इन वर्ब्स के बारे में नहीं जानेंगे कि इन हर एक वर्ब्स में सामने वाला रिक्वायरमेंट पार्ट हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, आपको आपकी कैपेबिलिटी के नंबर नहीं मिलेंगे। मुझे पूरा भरोसा है इस वीडियो के बाद जो बच्चे का जो भी टारगेट हो, जरूरी नहीं है हर सब्जेक्ट हर स्टूडेंट को कॉस्टिंग बहुत पसंद हो राइट फ्रॉम इंटर लेवल,
हर बच्चे का अपना एक मास्टर एरिया होता है, 8 सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में अवेलेबल है, हर बच्चे की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो जो बच्चा को सिर्फ ये सब्जेक्ट सिर्फ एक पास करने के लिए वो टारगेट कर रहा है, 50 to 55 मार्क्स लाने की भी कोशिश कर रहा है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इस वीडियो के बाद जो आईसीआई ने आपको कम्युनिकेट किया है वो अगर आप फॉलो कर लेंगे, मिनिमम 10 to 15% मार्क्स यू कैन इंक्रीज बाय जस्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। और जो बच्चे को ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग लगता है, डेफिनेटली उनके भी 10 to 15% मार्क्स जो भी वो अभी मिल पा रहे हैं उसके मुकाबले वो और भी ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, व्हाट इज स्किल असेसमेंट। आप देखेंगे तो आईसीआई ने अपनी वेबसाइट पर, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 25 अक्टूबर को ये अपलोड किया है, और ये मोस्ट प्रोबेबली जब आपका नवंबर 2019 का स्टूडेंट न्यूज़लेटर आता है ना, उसमें ही आपको पब्लिश मिलेगा। इसमें आईसीआई ने डिफरेंट चीजें बताया है कि जब भी हम कोई भी रिक्वायरमेंट पार्ट ड्राफ्ट करता है एग्जामिनर, तो जब भी वो वर्ब यूज करता है, दिस वर्ब्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। हर वर्ब्स की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर स्टूडेंट ने आंसर दिया है, देन डेफिनेटली ही और शी विल सक्सेड विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक बेटा, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आईसीआई ने फिर से एक चीज आपको बताया है, ये 3 लेवल की यहां पे बात कर रहे हैं। लेवल 1 बिलोंग्स टू कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज, लेवल 2 इज रिलेटेड विद एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, एंड द लेवल 3 दैट इज द लास्ट लेवल इज इवेल्युएशन। लेवल 1 जो है कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेमोरी टेस्ट करता है, क्या आपने सिलेबस को पढ़ा है और क्या जो भी आपने पढ़ा है आप उसको रिटेन कर पाए हैं, और जब भी हम पूछ रहे हैं आप उसको हमें या तो डिफाइन कर रहे हैं या तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एज द रिक्वायरमेंट में भी उसको कर पा रहे हैं क्या। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन शुरुआती दिनों में था जब न्यू सिलेबस आया था कि ये सब्जेक्ट पूरा थ्योरेटिकल है। पहली बात तो ये क्लैरिटी है हर बच्चों को कि ये सब्जेक्ट 100% न्यूमरिकल नहीं है, एज कंपेयर टू द ओल्ड सिलेबस नेम्ड एज एएमए एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। The new syllabus is not 100% numerical, and now the most important misconception is this subject is theoretical. Not at all. Theory का portion जब आप ICA की website में इसको और search करेंगे, तो आपको bunch of chapter wise अलग-अलग distribution के marks मिलेंगे कि किस-किस bunch of chapter से कितने-कितने marks का पूछा जा सकता है। तो जब आप देखेंगे ना बेटा, ये जो topic है आपके पास, ये maximum आपका 10 to 15% of the whole paper cover करेगा, that is comprehension and knowledge। इसमें कुछ ICAI आपसे बहुत ज्यादा expect नहीं करेगा, इसमें सिर्फ ये expect किया जाएगा कि क्या आपने जो पढ़ा है आप उसको retain करके examination में reproduce कर सकते हो क्या। बिल्कुल, मैं student community में इसके साथ हूं कि paper theoretical है, लेकिन theoretical सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% of the टोटल मार्क्स। अगर मैं इंक्लूडिंग द ऑप्शनल मार्क्स ले रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, तो टोटल आपका 120 मार्क्स का पेपर है। 120 मार्क्स का 10 to 15% हार्डली, अगर आप इसका एवरेज देखेंगे तो 15 मार्क्स यू कैन स्कोर मैक्सिमम बाय रट्टा मार थ्योरी। आई यूज द वर्ड रट्टा मार, सिर्फ आपने उसको रटा है, आपके मेमोरी का टेस्ट है यहां पे, तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। रेस्ट 85% मार्क्स are devoted to level 2 and level 3, and level 2 का जब आप percentage देखेंगे, ICAI ने कई बार 2 से 3 बार communicate किया है किस-किस में, किस-किस level में हम क्या-क्या expect कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, तो यहाँ पे 45 to 55% of your paper, अगर अपन इसका average करें, तो 50% mark belong to this level analysis and application part, okay? And the last level, जब आप इवेल्यूएशन पार्ट देखेंगे लेवल 3, इट बिलोंग्स टू 35 to 40 मार्क्स ऑफ योर कंप्लीट 100 मार्क्स पेपर, है ना। ये बाइफरकेशन मैंने अपने मन से नहीं दिया हूं बेटा, 35 to 40% या इसे की वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन बस मैंने इस नई पीडीएफ के साथ इसको लिंक कर दिया। नाउ अब इस पीडीएफ में ICAI ने अलग अलग वर्ब्स यूज किया है, उन हर वर्ब्स के आपको स्पेसिफिक मीनिंग बताया है कि एक स्टूडेंट को अगर ये वर्ब यूज होता है तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जिन बच्चों का नवंबर 19 अटेम्प्ट है, हार्डली बेटा आपके पास फ्यू डेज लेफ्ट है ना, जो बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं हार्डली उनके पास
10 डेज है, जो बच्चे और ये थोड़ा लेट देखेंगे उनके पास वो वक्त इतने दिन भी ना हो, तो आप क्या कीजिए, जब भी आप रिवाइज कर रहे हो कोई भी क्वेश्चन, जो भी आपने अपने लेवल पर आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये वाले क्वेश्चन मुझे लास्ट के 1 और 2 डेज में करना है, जब भी आप वो क्वेश्चन पढ़े मैं चाहूंगा आप इसके एक हार्ड कॉपी निकालिए, अपने सामने रखिए, और जब भी आप रिक्वायरमेंट पार्ट देख रहे हैं तो रिक्वायरमेंट पार्ट में आइडेंटिफाई कीजिए, हमें रिक्वायरमेंट पार्ट में एक्सप्लेन बोला है, एनालाइज बोला है, इवेल्युएट बोला है, रिकमेंड बोला है, क्या वर्ड उसने यूज किया है, उस वर्ड को यहां पे आप ढूंढिए और एक बार कंपेयर कीजिए कि इसका मीनिंग क्या है, फिर जब आप अपना सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना तो यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस कि अच्छा इसमें इस टाइप से हमें एक्सपेक्टेशन की जा रही है। एंड इंपॉर्टेंटली जिन बच्चों का May 20 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट है, जब भी बेटा आप इस सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ो या जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जब भी आप इसको फर्स्ट टाइम रिवाइज करो, ये जो PDF है इसकी हार्ड कॉपी आप हमेशा अपनी टेबल में रखिए, और बार बार जब भी कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो हर क्वेश्चन में आपको एक वर्ब मिलेगा, उस वर्ब को पहले आप पढ़िए, यहां से फिर इस PDF से उसको देखिए उस वर्ब का क्या मतलब है, देन गिव योर सेल्फ सफिशियंट टाइम टू आंसर ऑन योर ओन, फिर जाके आप उसको कंपेरिजन कीजिए। मैं थोड़ा सा और बोल दूं, May 2020 अटेम्प्ट ऑनवर्ड जितने भी स्टूडेंट है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो इसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखिए, रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़िए, रिक्वायरमेंट पार्ट में ढूंढिए कौन सा वर्ब यूज किया गया है, उस वर्ब को यहां पे आप फाइंड आउट कीजिए कौन सा वर्ब है, उसका मीनिंग देखिए इसी PDF से, एंड देन यू शुड स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, ट्रस्ट मी न्यू सिलेबस में डेफिनेटली आपको उससे ज्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट लेवल, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज। यहां पे सिंपली एक चीज मेंशन है जो मैंने आपको अभी मल्टीपल टाइम रिपीट किया हूं, इट 10-15% ऑफ योर टोटल मार्क्स आर बिलोंग टू टेस्ट ऑफ मेमोरी। बस आपने याद किया है क्या? अब बस ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़े से वर्ड्स अगर बदल जाए, वर्ब्स बदल जाएंगे, तो उसका हमारे को प्रेजेंटेशन का तरीका भी बदल जाएगा। यहां पे वर्ड सिंपल लेवल दिया है, डिफाइन स्टेट एंड लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब है आपको बोल दिया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ JIT, जिसमें आपको कोई अप्लीकेशन स्किल की जरूरत नहीं है। अगर आपने JIT के एडवांटेजेस पढ़ा है, जस्ट यू हैव टू मेक अ लिस्ट 3 or 4 points फॉर 4 marks, दैट्स ऑल। डिफाइन जस्ट इन टाइम सिस्टम। इन दिस वर्ड डिफाइन यू हैव टू राइट अ मैक्सिमम ऑफ 4 to 5 lines रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ द टर्मोलॉजी जस्ट इन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, नाउ मोर एक्सप्लेनेशन इज नीडेड इन द थ्योरेटिकल पार्ट। In the theoretical part, when these verbs are used, illustrate, identify, explain, and describe. While in the word define, state, and lift, you are not expected to explain anything in detail. I repeat, in the word define, state, and lift, you are not expected to explain in detail or describe in detail. Just you have to write one or two lines for a single caption, just such as JIT. Inventory cost. In inventory cost, you have to write a maximum of 1 or 2 lines. While if the same topic has been used with the word describe, explain, in the same inventory cost, you must explain in detail. That is minimum 3 to 4 lines. So, सबसे पहला point बेटा, अगर define, state और list बोला, अपन एक example लिया JIT का, अगर ये तीनों word use कर रहा है, तो you don't have to write in detail. Just you have to give a caption that inventory cost and then ordering cost and then overtime premium, give the heading and write the explanation in maximum 1 or 2 lines. But if the same topic has been asked to you by using the word illustrate, identify, explain, describe, then the same content will have to be described in detail. That is the inventory cost under JIT is to be explained in minimum 3 to 4 lines, and it can go beyond 3 to 4 lines till 6 to 7 lines considering the inventory cost under JIT system. ठीक है बेटा, तो ये जो टॉपिक है आपका कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज, आप बिल्कुल माइंड में बैठाइए, जिनका नवंबर अटेम्प्ट है 19 वो भी, और जिनका आगे अटेम्प्ट है, ये पेपर न्यूमेरिकल नहीं है, एज यू ऑलरेडी नो, ये पेपर पूरा थ्योरेटिकल भी नहीं है, बिकॉज थ्योरी विल कंसिस्ट ऑफ a maximum of 10 to 15 marks of your paper. You know? Second part jo hai iska, wo hai analysis and application. You know? Isme application mein sirf yeh dekha jayega
कि जो भी आपने पढ़ा है क्या आप उसको न्यूमरिकली, क्या आप उसको न्यूमरिकली कैलकुलेट कर सकते हो? क्या आपने जीआईटी पूरा पढ़ा है जस्ट इन टाइम? मैं सिर्फ एग्जांपल लेके चल रहा हूं बेटा, ताकि एक टॉपिक के बारे में अपन इनको कंपेयर करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे कि कौन सा वर्ब का क्या मीनिंग होता है। अगर हमें जीआईटी में अब अप्लीकेशन पार्ट पूछ रहा है, मतलब आईसीए आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो भी जीआईटी का आपका नॉलेज है इन लेवल 1, क्या आप उसको न्यूमरिकली अप्लाई कर सकते हैं? क्या क्या आप उसको न्यूमरिकली अप्लाई कर सकते हैं? क्या क्या आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं जिसमें जीआईटी की टोटल कॉस्ट और आज के एग्जिस्टिंग सिस्टम दैट इज नॉन जीआईटी की टोटल कॉस्ट निकाल के बस हमें कंपैरिजन करके दे सकते हैं, कैलकुलेशन करके दिया जा सकता है? दिस इज नोन एज अप्लीकेशन। इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज होंगे? मोस्ट कॉमनली जो वर्ड यूज होता है आप देखेंगे तो ये दो तीन वर्ड मोस्ट कॉमनली यूज है। पहला कैलकुलेट वर्ड, दूसरा प्रिपेयर वर्ड, तीसरा रिकनसाइल वर्ड। जब आप अपना स्टडी मटेरियल देखेंगे तो तीन बहुत कॉमनली यूज वर्ड है। तो जब भी रिक्वायरमेंट पार्ट में आपको ये तीन वर्ड मिले तो मान के चलिएगा आईसीए अब आपसे एक स्टेप और आगे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो आपको उस टॉपिक का नॉलेज है क्या आप उसको, मैं बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहा हूं, क्या आप उसको न्यूमरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्या बस आपने उसको न्यूमरिकली एक्सप्रेस कर दिया, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड इन अप्लीकेशन पार्ट। ठीक है बेटा, अब अप्लीकेशन पार्ट के बियॉन्ड जाता है एनालिसिस पार्ट। अप्लीकेशन पार्ट के बियॉन्ड जाता है यहां पे एनालिसिस पार्ट। और ध्यान दीजिएगा एक सीक्वेंस है ना, सबसे पहले आपको नॉलेज, नॉलेज के बाद फिर उसका कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन आपको रिवर्स पढ़ना है इसको, रिवर्स ऑर्डर में है ना, कॉम्प्रिहेंशन के बाद उसका अप्लीकेशन न्यूमरिकल एबिलिटी, एंड देन न्यूमरिकल एबिलिटी के बाद उसका एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस पार्ट में जो वो वर्ब यूज करेंगे वो यूज करेंगे सबसे कॉमनली जो वर्ड यूज होता है वो एनालाइज वर्ड या डिस्कस वर्ड, बहुत बहुत कॉमनली यूज वर्ब है आपके स्टडी मटेरियल में और तीनों अटेम्प्ट के पेपर में टिल मई 2019। इसमें आईसीए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ध्यान दीजिएगा, वो अगर एनालाइज वर्ड यूज कर रहा है, वो अगर डिस्कशन वर्ड यूज कर रहा है, तो आईसीए इज एक्सपेक्टिंग कि आपको उस टॉपिक का नॉलेज है, आपको उस टॉपिक में अप्लाई करना भी आता है उस नॉलेज को, दैट इज आप न्यूमरिकल आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन एनालिसिस विल गो वन स्टेप मोर बियॉन्ड। अब उस न्यूमरिकल डेटा को आपको इंटरप्रेट करते आना चाहिए कि जेआईटी है ये नॉन जेआईटी है, जेआईटी में अगर हमारी कॉस्ट कम है तो उसका क्या इंप्लीकेशन होगा, जेआईटी में अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा है तो उसका क्या इंप्लीकेशन होगा, क्या ये कॉस्ट आने वाले हर साल में हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा कि क्या ये सिर्फ फर्स्ट ईयर की कॉस्ट है, कैसे हम इस कॉस्ट को आगे चल के विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड फंक्शनलिटी रिड्यूस कर सकते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस। तो सम अप करूं, एनालिसिस, अप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज, ये सिर्फ आपके दो चीजें टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको उस टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, दिस इज कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज। अब उसको आपको बहुत कम शब्दों में लिखना है तो देन द वर्ब विल बी डिफाइंड स्टेट एंड लिफ्ट। उसको थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन में देना है, देन द वर्ब एक्सप्लेन, डिस्टिंग्विश, डिस्क्राइब विल बी यूज्ड। और जब उसी टॉपिक को अगर आपको न्यूमरिकली एक्सप्लेन करना है देन द वर्ड रिकनसाइल, प्रिपेयर, कैलकुलेट वर्ड विल बी यूज्ड। एंड देन अब आपने न्यूमरिकली इसको कैलकुलेट कर लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन इज नोन एज एनालिसिस पार्ट। जैसे कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में आपको बताऊं, मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, मुझे ये आइडिया है व्हाट इज कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, इन चैप्टर नंबर 10 आपके सिलेबस में है, मुझे उसका न्यूमरिकली अप्लीकेशन भी आता है कि मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं, कौन से कस्टमर ने किस किस सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज की, कितनी कितनी सर्विस लिया है, ये भी मुझे आता है बेटा। अब नाउ एनालिसिस पार्ट में अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोरिलेट करना पड़ेगा कि अगर मैं नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर कम ज्यादा करता हूं, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर कम ज्यादा अगर मैं करता हूं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा किसी दूसरे टॉपिक पर, कोरिलेट करना। जब आप यहां पे एनालाइज वर्ड देखेंगे ना बेटा तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेकिंग अपार्ट इंफॉर्मेशन और डिस्कवर टू डिस्कवर रिलेशनशिप कॉसेस, क्या पैटर्न हमें बता रहा है, क्या उसका कनेक्शन है, ये चीजें आपको यहां पे एक्सप्लेन करना है। और जब भी डिस्कशन के बारे में आपको बोला जाएगा तो देखिए कितना क्लैरिटी से जो भी आईसीए की अथॉरिटीज है उन्होंने कितनी मेहनत किया है कि स्टूडेंट को हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि किस वर्ब के क्या मीनिंग होते हैं।
तो डेफिनेटली इस टॉपिक में, इस पीडीएफ में आईसीआई ने बहुत मेहनत किया है। मुझे एवर टीचर लगता है बहुत सारी क्वेरी गई होगी आईसीआई के पास कि सर इन वर्ड्स के मीनिंग क्या क्या है, तो जो भी बीओएस के ऑफिशियल्स है उन्होंने उन सभी क्वेरीज के आधार पर ड्राफ्ट किया होगा कि किस किस वर्ब से हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक स्टूडेंट से। तो जब आप डिस्कशन वर्ड देखेंगे तो डिस्कशन में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, मतलब कुछ फेवर्स में भी बात की जाएगी, कुछ अगेंस्ट में भी बात की जाएगी, कुछ आपको उसके एडवांटेजेस भी बताना है, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिया है, जब हम डिस्कशन करते हैं ना तो इन द एंड आपको अल्टीमेटली उसका आउटकम बताना है, दैट इज क्रक्स बताना है, कंक्लूजन पार्ट में आपको पहुंचना है। डिस्कशन आप पहले पूरा कर लीजिए इसके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, एंड एट द एंड डिस्कशन तभी कंप्लीट होगा जब एट द एंड आपने उसका आउटकम दिया इन मैक्सिमम वन और टू लाइंस। तो बड़ा अच्छा ड्राफ्टेड चीज है बेटा। इस वीडियो में आप ये ध्यान रखिएगा मैं सिर्फ आपको मेन मेन पॉइंट्स बता रहा हूं, बाकी इस वीडियो इस पीडीएफ में आपको बहुत अच्छे कंटेंट दिए हुए हैं। आप इसकी हार्ड कॉपी में अगेन रिपीट कर रहा हूं अपने डेस्क पे रखिएगा, और जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ढूंढिए वर्ब कौन सा वर्ब यूज किया गया है, फाइंड आउट दैट वर्ब इन दिस लिस्ट एंड ट्राई टू इंटरप्रेट ऑन योर ओन कि किस वर्ब में मुझे क्या चीजें लिखना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी बेटा बस, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो इंटर या आईपीसीसी के बच्चे फाइनल में आए ना, इंटर में जनरली इस टाइप की वर्ब कभी यूज नहीं होती थी कॉस्टिंग में, वहां पे जनरली पूरा न्यूमरिकल था। तो एक बच्चा जो न्यूमरिकल एबिलिटी से अब स्किल असेसमेंट में जाना चाहता है, अनडाउटेडली बेटा इस ट्रांजिशन फेस में कुछ तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी अगर इनिशियली आपने इसमें मेहनत कर लिया ना, मैं अगेन आपको अश्योर कर रहा हूं आप अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा स्कोर कर पाऊंगे। बिकॉज वॉट मैटर इन द न्यू सिलेबस इज नॉट योर नॉलेज, इज नॉट योर अप्लीकेशन एबिलिटी, किस पार्ट में हमसे क्या पूछा है, अनलेस एंड अंटिल वी नो द वर्ड्स कि डिस्क्राइब का मतलब क्या है, डिस्कशन का मतलब क्या है, तो बेटा उस अकॉर्डिंगली अपन उस लेवल का आंसर नहीं दे पाएंगे, है ना। थोड़ा सा ट्रांजिशन फेस है, न्यूमरिकल से आपको स्किल असेसमेंट में जाना है, अनडाउटेडली थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि बच्चे ने अगर ठान लिया कि नहीं जो एक्सपेक्टेशन हमारी है आईसीआईसीआई स्टूडेंट से, अगर हम उन वर्ब पर ध्यान देना चालू कर दे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी जो भी कैपेबिलिटी है हम उससे ज्यादा ही मार्क्स स्कोर कर पाएंगे विथ लिटिल मोर एफर्ट्स फोकसिंग ऑन द वर्ब सेक्शन ऑफ द सिलेबस। ठीक है बेटा, अब आइए, अब ये इवेल्यूशन पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एक्सपेक्ट इवेल्यूशन आप तभी कर पाएंगे। आईसीए ने देखिए लास्ट में लिखा भी है, इट मे बी प्रिज्यूम दैट नॉलेज हो, फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन हो, मतलब आप उसको डिटेलिंग कर पाते हो, फिर आपके पास एप्लीकेशन एबिलिटी हो, फिर आपके पास एनालिसिस एबिलिटी हो, अगर चारों एबिलिटी आपने एक्वायर कर लिया देन यू आर रेडी टू इवेल्युएट, एंड दिस इज द टॉप मोस्ट डिसीजन पॉइंट इवेल्युएशन, मतलब फाइनली मैनेजमेंट को आप बता रहे हो कि इस कॉस्टिंग के एरिया में आपके लिए बेस्ट क्या है। तो देखिए यहां पे दो तीन वर्ड आपको यूज की जा सकती है जब वो इवेल्यूशन टॉपिक पूछेगा, एंड इवेल्यूशन विल टॉपिक विल कवर अ मिनिमम ऑफ 35% ऑफ योर मार्क्स। तो अब 120 मार्क्स की बात करते हैं पूरे पेपर में, तो 120 का अगर आप 35% करेंगे तो नियर अबाउट 40% ऑफ योर मार्क्स किसको डिवोटेड है, इवेल्यूएशन पार्ट को डिवोटेड है। तो आप देखिएगा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको वर्ड जरूर मिलेंगे रिकमेंड इवेल्युएट एडवाइस। तो नाउ इट्स टाइम कि जब भी हमें रिकमेंड वर्ड यूज करता है, जब भी इवेल्युएशन वर्ड यूज करता है, जब भी एडवाइस वर्ड यूज करता है, तो उन वर्ड से हमें वो हमसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हम क्या लिखे, टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, एनालिसिस पार्ट आपको आना चाहिए, फिर ये बताएगा। देखिए आप एडवाइस का मतलब देखिए, आप अगर वो पूछता है एडवाइस द मैनेजमेंट एडवाइस द कंपनी तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एडवाइस रिक्वायर्स टू बिल्ड अप अ गुड कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट जब भी आता है बेटा तो यहां पे दोनों साइड कंसिडर किए जाते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो ध्यान दीजिएगा जब भी आपसे वो एडवाइस वाला वर्ब यूज करेगा आपको सिर्फ एक ही थीम पे वर्क नहीं करना है, आपको उसके पॉजिटिव भी बताना है और उसके निगेटिव भी बताना है। तो एडवाइस रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ गुड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब यहां पे कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको अपने आर्ग्यूमेंट को डिटेल मैनर पर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट लीड्स टू वन और मोर चॉइसेस फॉर द ओनर और मैनेजर्स टू कंसिडर।
ये ध्यान दीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट, देखिए आप कितने अच्छे से ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है ये वाला पीडीएफ, कि एडवाइस जब भी हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, पहली बात तो वो यहाँ पे डिटेलिंग दे, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर पे हमें चाहिए, हर कुछ कवर होना चाहिए। दूसरा, वो आर्ग्यूमेंटेबल पर डिस्कशन जाना चाहिए, मतलब पॉजिटिव भी हो निगेटिव भी हो, और यहां पर हम अपने ओनर्स के लिए, हम अपने मैनेजमेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्रिएट कर दे, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। सेम वर्ड अगर आप देख रहे हैं तो इवेल्युएशन में भी यही चीज है। इवेल्युएशन का मतलब है आपका जो असेसमेंट होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसमें ना सिर्फ पॉजिटिव एक्सपेक्ट आए बल्कि निगेटिव एक्सपेक्ट आए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिया है आईफे ने इसमें, इट माइट मीन कंप्यूटेशन बट इट माइट नॉट। अगर हम आपसे इवेल्युएशन की बात करते हैं तो हो सकता है उस इवेल्युएशन में आपको कुछ न्यूमरिकल कैलकुलेशन करना पड़े, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आप देखिएगा आपके स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है जहां पे इवेल्युएशन वर्ब यूज है लेकिन वहां पे न्यूमरिकल कैलकुलेशन आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि न्यूमरिकल कैलकुलेशन ऑलरेडी क्वेश्चन ने करके दे चुका है। तो इसका मतलब देखिएगा, इट माइट मीन कंप्यूटेशन बट इट माइट नॉट। तो हो सकता है इवेल्युएशन में कुछ क्वेश्चन में आपको न्यूमरिकल कंप्यूटेशन करना पड़े, तभी जाके आप उसको इवेल्युएट कर पाएंगे, और जरूरी नहीं है लेकिन कि हर इवेल्युएशन वाले वर्ब में आपको न्यूमरिकल क्वेश्चन करना पड़े। इसके अलावा फिर बोला गया है, एम्फसाइज ऑन क्वालिटेटिव टर्म्स एज वेल एज मॉनिटरी, मतलब जो भी आपके डिस्कशन जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ग्राउंड पर नहीं होना चाहिए, नॉन फाइनेंशियल ग्राउंड पर भी डिस्कशन किया जाना चाहिए, है ना। मैं हर बार अपनी बैच में बताता हूं कि जो चैप्टर नंबर 6 है आपके स्टडी मटेरियल का, डिसीजन मेकिंग, ये पूरा ओल्ड सिलेबस में भी कंटेंट था, इसी को न्यू सिलेबस में भी रखा गया है, लेकिन जब आप न्यू सिलेबस की रिक्वायरमेंट पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहां पे बहुत कॉमनली ये वर्ड यूज किया गया है, एडवाइस इवेल्युएशन। ओल्ड सिलेबस में सिर्फ चैप्टर नंबर 6 में रेलिवेंट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, नोन एज कॉमनली नोन एज सीवीपी एनालिसिस, उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमरिकल एबिलिटी ध्यान दी जाती थी। यहां पे न्यूमरिकल के साथ साथ आपको क्वालिटेटिव भी जाना पड़ेगा, मतलब नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन या मॉनेटरी के अलावा कोई और दूसरे फैक्टर जो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन के लिए ध्यान में रखने हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। रिकमेंडेशन में आपको कई सारे यहां पे रीजनेबल ऑप्शन क्रिएट करने पड़ेंगे, हर ऑप्शन को आपको, देखिए क्या शानदार ड्राफ्टेड वर्ड है, हर ऑप्शन को आपको रीजनेबल है या नहीं वो चेक करना है, हर एक को आपको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करने के बाद फाइनली उसको कंक्लूड करना है, और जहां रिकमेंडेशन की बात आएगी तो आपको फिर उनमें से मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर आपको अपना कमेंट देना है कि ये कंपनी के लिए बेस्ट है। जबकि एडवाइस में आप क्या होता है, आप ओपन रखते हो सब चीजें कि आपके पास ये भी ऑप्शन है, आपके पास ये भी ऑप्शन है, लेकिन फाइनली आप कंक्लूड नहीं करते कि मैनेजमेंट को आउट ऑफ मल्टीपल ऑप्शन इसी में जाना चाहिए। जबकि अगर रिकमेंड वर्ड यूज किया गया है तो सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि न सिर्फ आप हमें मल्टीपल ऑप्शंस दीजिए, हर को इवेल्युएट करके दीजिए, इवेल्युएशन करने के बाद फाइनली आपका हमें रिकमेंडेशन चाहिए। तो ये मैं चाहूंगा बेटा, मैंने इसको बस आपको एक इंट्रोडक्शन दिया हूं कि जो न्यू पीडीएफ आया उसमें क्या क्या कंटेंट है, इसके मच बियॉन्ड है, आप इसको आराम से 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स दीजिए। कोई भी रेंडमली आप आईसीए के स्टडी मटेरियल के चैप्टर उठाइए, उनके क्वेश्चन देखिए, उन क्वेश्चंस, मैं जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूं इस पूरे पीडीएफ को समझने के लिए आपको मल्टीपल क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर आपने 3 से 4 क्वेश्चन भी रेंडमली, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोई भी चैप्टर का, कोई भी रेंडमली आप क्वेश्चन उठाइए आईसीए के स्टडी मेट से, उसको पढ़िए, अगर वो टॉपिक आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़िए, और फिर रिक्वायरमेंट पार्ट के वर्ब पर ध्यान दीजिए, उनको यहां से ढूंढिए, और फिर आप देखेंगे जब आप, अब आप उनका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हमसे वो एनालाइज वर्ड बोलता है तो उसका ड्राफ्टेड आंसर अलग है, जबकि वो हमसे एडवाइस चाहता है तो उसका ड्राफ्टेड आंसर अलग है। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आईसीए रिक्वायर फ्रॉम अस। तो उम्मीद है बेटा इस आईसीए ने ये जो स्किल असेसमेंट के ऊपर पीडीएफ अपलोड किया है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट विल बेनिफिट मल्टीपल टाइम्स बाय दिस पीडीएफ। बार बार आपको इसको यूज करना पड़ेगा अपने लेवल पर, तब जाके जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये वर्ब फिर आपको बहुत ईजी जाएंगे, फिर आपको वर्ब का मतलब पता होगा, फिर आपका सिर्फ फोकस होगा इस चैप्टर में जो हमने कंटेंट पढ़ा था उसको इन वर्ब्स के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे रिप्रोड्यूस करना है, दैट्स ऑल, है ना बेटा। चलिए,
जिनका नवंबर 19 अटेम्प्ट है बेस्ट ऑफ लक बेटा, और जिनका मई 20 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट है उनको भी हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक। इन वर्ड्स के आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन तैयार कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट योर डिजायर्ड मार्क्स। थैंक यू।